जलंधर पोटैटो ग्रोवर एसोसीएशन दे वल्लों करतारपुर दे विच किसान मेला करवाया जा रहा। 8 ते 9 सितंबर नूं इह किसान मेला हो रहा जिहदे विच 20,000 तों ज़्यादा किसान पहुँच रहे हैं। इस किसान मेले का मकसद की हैगा, सारी गलबात करदे आं। एसोसीएशन दे मैंबर साडे नाल मौजूद हैगे ने, प्रधान गुरराज सिंह मौजूद हैगे ने, जनरल सैकटरी मौजूद हैगे ने प्रितपाल सिंह, गलबात करदे आं। गुरराज, सब तों पहलां तां इही जानना चाहुंदे कि किसान मेले का मकसद की है। किसान मेले का मेन मकसद है कि सानू इस वेले बहुत ज़्यादा जरूरत है कि साडा पानी भी मुक रहा है तो साडी धरती भी खराब हो रही है। इस करके असी डिवर्सीफिकेशन चाहते हैं ते वध तो वध असी नवी मशीनरी तो हाई टेक्नोलॉजी का जिन्हें भी इंप्लीमेंट है उत्थे असी रखते जिहड़े किसान देख के उन्हां तों फायदा लैणा। अच्छा, किन्ने कु 20,000 तों ज़्यादा हो जाएंगे किसान? ये किसान तो जी 20,000 तो असी 30,000 का साडा टारगेट है, 30,000 हो गए जी। अच्छा, क्वालिटी और क्वांटिटी के उपर भी तुसी काम कर रहे हो, किवें इह चीज़ां जिहड़ियां ने डिवेलप होणगियां? देखो, अज तो 25-30 साल पहला सानू लोड सी क्वांटिटी दी, कि सानू भुख सी जां सी, अज साडे कोल फूड असी एक्सपोर्ट करना है तो सानू क्वालिटी बेचना पऊगा, क्योंकि इस वेले साडे कोल हर चीज़ सरपलस आ। साडे कोल राइस सरपलस आ, साडे कोल शुगर सरपलस आ, साडे कोल वीट पोटैटो सरपलस आ। इहनूं असीं क्वालिटी 'च लिया के एक्सपोर्ट 'च जावांगे तां असीं बचांगे। एक्सपोर्ट 'च जाण लई सानूं इह जिहड़ी नवीं टैक्नोलॉजी अडोप्ट करनी पवेगी, उत्ते ही असीं काम कर रहे हां। अच्छा सैकटरी साहब, किवें देखते हो कि वाकई किसान क्वालिटी वाले पासे आ गए ने? नहीं, हजे नहीं आए। उहदे विच कारण इह आ कि लैक ऑफ एक्नोलेजमेंट, आपां PAU दे नालों बिल्कुल टुट चुके हैं। जिन्नी असीं फर्टिलाइजर, इनसैक्टीसाइड, पेस्टिसाइड जो असीं एक्सपोर्ट करने ले लई फसलां नूं सानूं चाहीदी आ, असीं उत्तों किते वध मात्रा च पाई जांदे आ, जदके जिहदे नाल अपनी फसल की जिहड़ी ग्रोथ आ उह भी रुकदी आ, उहदे विच जहर भी आउंदी आ, सब कुछ आउंदा आ। पर जे असीं PAU नूं अडोप्ट करके जिन्नी उहनां दी रिकमेंडेशन आ उहदे नाल असीं फसलां नूं खाद पावांगे ते फिर उही असीं झाड़ भी वध लवांगे और उहनां नूं बीमारियां भी घट लगणगियां ते असीं उह अपना एक्सपोर्ट भी कर सकदे आ। कारण की आ कि किसान क्वांटिटी दे पिछे ज़्यादा ने कि क्वालिटी जेकर लई तां शायद उहदी कीमत ना मिले, इस चक्कर दे विच वी ना? बस यही है जी, क्योंकि उन्ना बायर भी नहीं हैगा कि वो जे किसी कोई ऑरगैनिक वाल नू चलता आ, उन्हों 4-5 साल लग जाते, कॉस्टिंग बहुत बच जाती है, 5-6 गुणा बच जाती है, फिर उन्होंने बायर नहीं टक्करदे जी। इस करके उधर नू लोग घट जा रहे, पर फिर भी क्वालिटी दे विच बहुत फर्क पाया जा सकता है जे असी जिहड़ियां साडियां रिकमेंडेशन आ उहदे मुकाबले असी खाद पाईए। अच्छा, दुआबा एरिया दे विच बहुत ज़्यादा पोटैटो की जिहड़ी उह खेती किसान करदे हैगे ने, तां पिछले कुछ सालां दे विच तुसी किवें ऑब्जर्व किया कि किसान होर अगे वध रहे ने कि जां घट रहे ने इस चीज़ नूं? बहुत कारण बन रहे ने जी। एक तां जिहड़े साडे नौजवान बच्चे आ उह बाहर जा रहे आ खेती तों डरदे, पर खेती कोई डर वाला धंधा नहीं। जे इहनूं बहुत तरीके नाल कीता जावे तां लाहेवंद आ। तुसीं शुगर केन ला सकदे आ, अजकल नवीं नवीं टेक्नीकां आ, 5 फुट ते गन्ना ला के उहदे विच मल्टी क्रॉप तुसीं कर सकदे आ। बहुत साधन ने, पर उहनूं एक अवेयरनेस होण दी ते आपां नूं जाचण दी लोड़ आ जी। अच्छा प्रधान साहब, इह किनवा मेला किन्ना किनवा हैगा? ये 8वां मेला जी साडा। अच्छा, नहीं तो 10वां होना सी, करोना करके 2 साल रह गए। अच्छा, वो सानू सोचते कि पिछे चल गए कि किसानों कुछ करना सीगा। साडे प्रॉब्लम्स जिदा अपने ढिल्लों साहब ने कहा कि जिहड़ी असी अपने किसी भी साइंटिस्ट के मगर नहीं लग रहे, जे साडा सिर दुखदा असी कैमिस्ट को जाने, जे साडी कोई फसल बीमार हुंदी है तां वो भी असी दुकानदार को दवाई ले आउने, असी किसी डॉक्टर की सलाह नहीं दिंदे, जिहड़े साडे लई बहुत जरूरी आ। देखो, इस वर्ल्ड कैप स्टैंडर्ड आ, असी मैंबर आ, साडा पानी हर साल तो हर साडी मिट्टी भी टेस्ट होंदी है, असी एक्सपोर्ट कर सकते, सानू सारिआं नूं उहदे मैंबर बन के ते सानू एक्सपोर्ट वाल तुरना चाहिए। पंजाब एक जिहड़ी स्टेट आ, ये असी इंडिया की टेल ते बैठे, सानू उदां दीआं क्रॉप्स ही पैदा करनियां चाहीदियां जिहड़ी एक्सपोर्ट होण, क्योंकि सानू जे असी बंगलौर ले जाणी कोई चीज़ उह ले जाणी आ, उहदे नाल सानू तेहरान नेड़े आ, 1600 किलोमीटर तेहरान आ। साडी ये रोड्स बन रही हैं, ये चल पैणियां, इस सरकार दा धन्नवाद करांगे बार्डर खोल के। इहनूं जिहड़ा कला पंजाब नहीं, नॉर्थ इंडिया ही बहुत तरक्की करूगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी के माहर भी मौजूद होंगे? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के माहर बिल्कुल मौजूद होंगे जी। असी किसानों सुनेहाई दिने कि असी तुहानू फड़ फड़ के जाने, माहर सुन लो प्लीज़, अपने आप सुने करो तो जिहड़ा तुहानू कोई बेनीफिट मिले। अच्छा, तुसीं भी ये उपराला कर रहे हो, चंगी गल हैगी कि अवेयरनैस जिन्ना तक वधदी जाएगी उवें उवें जिहड़ी क्वालिटी भी वधेगी। इस दौरान सरकारां दा रोल तुसीं किवें देखदे हो खेतीबाड़ी दे विच? सरकारां दा रोल है जी, सरकारां नूं भी तुसीं जे जाके मिलदे आ तो ठीक है, तुहाडे नाल तुरदियां, उहदा सरकार भी नहीं तुरदी। सरकार नूं भी कोई इदां दी एक कमेटी आ वो बनाउणी चाहीदी आ
जिहड़ी इस आधार ते काम करे असीं कर रहे हां सरकार नाल रल के काफ़ी कुछ किया असीं पंजाब एक पहली स्टेट आ जिहदे विच पोटैटो दी ट्रेसिबिलिटी आई हां उत्ते असीं सानू 3 साल काम किया सरकार ने भी साडा साथ दिता असीं उहनू हुण अगले साल तो लागू हो जाएगी ट्रेसिबिलिटी इह हुंदी आ कि उहदा माई बाप कौन आ इहदा सीड कित्थों आया जिन्ने क साडे कोल ट्रेसिबिलिटी ने चाहे कोई मीट है या कुछ है असीं उहनू एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक पहली पंजाब स्टेट आ जिथे यह ट्रेसिबिलिटी आई है उहदे विच जे पी जी ए ने बहुत काम किया हुण असीं उहदे विच काम कर रहे हैं एक असीं ऐप बनाई है वह भी पंजाब स्टेट पहली आ जिहदे विच सारियां सब्जियां कौन बीजदा उहदे नाल असीं लिंक करांगे वो मार्केटिंग सिस्टम साडा चलूगा असीं काम कर रहे हैं पर असीं किसानों नूं चाहुंदे हां तुरो। अच्छा सचिव साहब एक गल हो रहा है कि असीं भी कई बार इंटरव्यू करते रहने किसानों के नाल कहिंदे ने कि जेकर असीं क्वांटिटी लैनी है तो कहिंदे फिर सानूं दवाइयां स्प्रेयां करनियां पैंदियां कहिंदे जे नहीं करदे तो फिर क्वांटिटी नहीं कहिंदे वध आउंदी इन्हां चीज़ों तो बाहर किवें निकलिया जाऊ। भाजी ये बहुत वड्डी गलत फहमी आ जे तुहानूं भुख 2 रोटियां दी आ ते तुसीं 4 खाओगे ते तुसीं सारा दिन अपसैट रहने आ इस तरह क्रॉप सिस्टम भी है तुसीं मैं सारे किसान वीरां नूं पंजाब केसरी के माध्यम एक गल जरूर कहूँगा भी जे तुहाडा कोई 2 एकड़ का प्लॉट आ उहदे च 1 एकड़ जिहड़ी रिकमेंडेड डोज आ उह पाओ 1 एकड़ नूं तुसीं अपने हिसाब नाल पाओ तुहानूं 1 साल दे विच ही पता लग जाऊगा जिहड़ियां भी तुसीं अननसैसरी दवाइयां खादा पाई जाने आ उहदा कोई फायदा हैगा जां जिहड़ियां रिकमेंडेड डोज आ उहदा फायदा है। यानी कि एक्सपैरीमेंट करके एक्सपैरीमेंट जरूर करना चाहिए जे आपां एक्सपैरीमेंट ही नहीं करते तो आपां नूं पता किदां चलूगा भी जिहड़ी रिकमेंडेड डोज है उहदे नाल भरपूर फसल निकलदी है जी। अच्छा प्रधान साहब ये किन्ने बजे तों लै के किन्ने बजे तक होएगा मिलना? ये सवेरे 10 बजे तों लै के जी 6 बजे तक चलेगा जी। पहले दिन भी है तो दूसरे दिन जिहड़े साडे असीं कुछ किसानों नूं अट्रैक्ट करन लई इनाम रखे आ पहला ट्रैक्टर आ जी। अच्छा दूजरा जिहड़ा साडा आ स्प्रे पंप आ जी ये मल्च दे नवी नवी इंप्लीमेंट्स है जिहड़े असीं उह कढ़ांगे। अच्छा चंगी गल आ इह इनाम दित्ते किन्नां नूं जाण के किहड़े फार्मर्स नूं जी इक लक्की कूपन है जी। अच्छा लक्की कूपन है ये कोई भी कर सकदा जी? कोई भी कर सकदा जी। ठीक है हां जी ठीक है धन्यवाद। तो ये जलंधर पोटैटो ग्रोवर एसोसीएशन के मैंबर है तो जेकर तुसी भी सही तरीके दे नाल खेती करना चाहते हो वधिया झाड़ लेना चाहते हो वधिया क्वांटिटी और क्वालिटी लेना चाहते हो तो जरूर 8 ते 9 सितंबर को करतारपुर पहुँच के इस मेले के हिस्सा लो। कैमरामैन मोनू के नाल मनप्रीत सिंह कालों जगबाणी टीवी जलंधर।